ज्यादातर राज्य भारी बारिश के कारण पानी में डूब रहे हैं। कई लोगों ने इस आसमानी संकट में अपनी जानें भी गंवा दी, पर इसी बीच कुछ लोग खुद चलकर पानी की ओर बढ़ रहे हैं और सोशल मीडिया के जानलेवा क्रेज के चलते अपनी जान गंवा बैठे हैं। यकीनन आप भी ज्यादातर लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रील बनाने और फॉलोअर्स बटोरने के लिए करते होंगे, लेकिन आपको दिखाते हैं लापरवाही की कुछ ऐसी तस्वीरें जिससे यकीनन आप भी भयभीत हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर लाइक्स की भूख अब जानलेवा होती जा रही है। लोग अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए जान दांव पर लगाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। पिछले 72 घंटों में लापरवाही की ऐसी ही 4 घटनाएं सामने आ चुकी है जिसमें 8 लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। हैरानी की बात तो यह है कि यह सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि ज्यादा उम्र के लोग भी ऐसी लापरवाही करने से नहीं चूक रहे हैं। मुंबई में ऐसी ही एक घटना सामने आई है जिसमें 2 बच्चों के माता पिता समुद्र के किनारे फोटो खिंचाने के लिए डेंजर जोन में चले गए। इस दौरान ही एक तेज लहर आई और दोनों समुद्र में बहने लगे। देखिए आप भी ये भयानक वीडियो। मुंबई के बांद्रा बीच पर अपनी पत्नी ज्योति सोनार उम्र 32 वर्ष और 2 बच्चों के साथ पिकनिक मनाने आए मुकेश सोनार उम्र 35 वर्ष लहर की चपेट में आ गए। इस हादसे में मुकेश तो किसी तरह बच गए लेकिन उनकी पत्नी ज्योति की डूबने से मौत हो गई। दरअसल दोनों फोटो खींचने के लिए बीच के नीचे रखे पत्थर पर जाकर बैठ गए थे। इस दौरान ही एक बड़ी सी लहर आई और दोनों को खींच कर ले गई। मुकेश ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए उनकी साड़ी जोर से पकड़ ली थी लेकिन उनके हाथ से साड़ी छूट गई और उनकी पत्नी समुद्र में बह गई। हालांकि बाद में पुलिस और गोताखोरों की मदद से ज्योति की लाश बरामद कर ली गई। जिस तरह बच्ची अपनी माँ को बार बार आवाज लगा रही थी, काश बच्ची की बात मानकर अगर माँ बाहर निकल आती तो शायद आज वो जिंदा होती। वहीं बात करें महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की, तो चंद्रपुर में तो सेल्फी लेने के चक्कर में 4 युवकों की तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना चंद्रपुर जिले के नागभीड़ तहसील के घोड़ाजरी तालाब की है। वरोरा तहसील के शेगांव के 8 युवक बारिश का आनंद उठाने के लिए घोड़ाजरी तालाब के पास गए थे। इनमें से एक युवक तालाब के किनारे सेल्फी लेने लगा और पैर फिसलने के कारण तालाब में ही गिर गया। उसे बचाने के लिए उसके 3 दोस्त एक एक कर तालाब में उतरे लेकिन वो तीनों भी तालाब में डूबने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और आपदा राहत टीम तुरंत मौके पर पहुंची। फिलहाल स्थानीय मछुआरों की मदद से शव की तलाश जारी है। मृतकों में मनीष श्रीरामे उम्र 26 वर्ष, धीरज झाड़े उम्र 27 वर्ष, संकेत मोड़क उम्र 25 वर्ष और चेतन मानदाड़े उम्र 17 वर्ष शामिल है। वहीं तीसरी घटना में नानी के 40वें में यूपी के इटावा ननिहाल आए 2 लड़के नदी में डूब गए। इनमें से एक की लाश मिल चुकी है तो वहीं दूसरे की तलाश जारी है। दोनों इटावा के इकदील क्षेत्र के सिंगर नदी में उतरकर इंस्टाग्राम रील बना रहे थे तभी उन्हीं के साथ ये हादसा हो गया। दिल्ली के बदरपुर निवासी लड़के के मामा शमी खान ने बताया कि बड़े लड़के रेहान की उम्र 17 साल थी, वहीं छोटे चांद की उम्र 13 साल थी। नदी का जलस्तर इस समय बड़ा हुआ है लेकिन इसकी परवाह किए बिना ही दोनों इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाने के लिए गए। नहाते समय अचानक रेहान का पैर फिसल गया और वह डूबने लगा। चांद ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन दोनों ही तेज बहाव में डूब गए। उनके साथ उस वक्त 4 और लड़के भी थे लेकिन कोई भी उन्हें बचा नहीं सका। वहीं कानपुर में अंश नाम का एक युवक इंस्टाग्राम पर रील बनाने के चक्कर में पांडु नदी की धारा में बह गया। उसके 4 साथी सामने खड़े होकर सिर्फ चिल्लाते रह गए। 5 लड़के पांडु नदी की धारा के किनारे अपनी रील बनाने गए थे। इसी दौरान अंश ने अपने कपड़े उतारे और नदी की धारा में कूद गया। उसके साथी सक्षम ने बताया कि अंश ने दावा किया कि वह तैरना जानता है लेकिन नदी में कूदने के बाद उसका पता ही नहीं चला।
सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो आज हर कोई करता है। जिस तरह हमने अभी आपको ये तस्वीरें दिखाई, इसका मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है। NBC न्यूज़ चैनल आपसे अनुरोध करता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़रूर करें, पर इस तरह के आसमानी संकट के बीच थोड़ी लापरवाही से बचें और सावधानी बरतें। नमस्कार।